सो इस बारे एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि मॉर्निंग क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, पर टीचर याशुदा अभी भी अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं। इसके पास बैठी टीचर इसको जगाती भी है, पर ना टीचर याशुदा नहीं उठते। एंड इसी तरह फिर कुछ टाइम के बाद पास से गुजरती हुई दो लड़कियां याशुदा को इस तरह सोया देखकर इसके पास खड़ी हो जाती है एंड इसके हेयर स्टाइल को अपनी मर्जी से चेंज करने लग जाती है। बट एनीवे जब क्लासेस का टाइम हो जाता है तभी वो टीचर अब इसको फोर्सफुली जगा देती है एंड वो इसको बताने की बहुत कोशिश करती है कि तुम्हारे हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, पर याशुदा इसकी एक भी बात नहीं सुनता और इधर से बाहर निकल जाता है क्योंकि याशुदा अपनी क्लासेस के लिए लेट हो गया था, तो फिलहाल इसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी की बात सुने। इसके बाद दिखाया जाता है कि याशुदा अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को इनके एग्जाम में बैड परफॉर्म करने पर लेक्चर दे रहा होता है, बट ट्रस्ट में एक भी स्टूडेंट इसके एक भी वर्ड पर फोकस नहीं कर रहा होता क्योंकि सभी स्टूडेंट जस्ट इसके वियर्ड हेयर स्टाइल पर फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि कोई भी इसके न्यू हेयर स्टाइल पर बात नहीं कर रहा होता। एक बार होरी अपनी जगह से उठती भी है कि वो इससे इसके इस न्यू हेयर स्टाइल के बारे में पूछे, बट होरी इससे नहीं पूछ पाती। फिर कुछ टाइम के बाद मियामोरा सेम हेयर स्टाइल के बारे में पूछने के लिए उठता है, बट ये भी नहीं पूछ पाता। इतनी ही देर में जो जूकी होती है ना, वो आज की क्लासेस के लिए लेट हो गई थी, इसलिए वो जैसे ही क्लासरूम में इंटर होती है तभी वो एक बार याशुदा की तरफ देखती है एंड फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। यूकी के पीछे बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते एंड फिर सारी क्लास ही हंसने लग जाती है। बट याशुदा बेचारे को समझ नहीं आ रही होती कि इन सबको हुआ क्या, कि ये सब क्यों हंस रहे हैं और वो भी मुझ पर। तभी यूकी इसको एक मिरर देती है कि इसका यूज करो और तुम भी समझ जाओगे एंड तभी याशुदा अपने आप को इस मिरर में देखता है एंड जोर से बोलता है, व्हाट द हैक इज दिस। क्लास ओवर होने के बाद याशुदा एक बार फिर उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर वो सुबह सो रहा था और इधर आकर रेफरेंस रूम की चाबी उठाने लगता है, पर वो चाबी इधर नहीं होती। तभी ये टीचर इसके पूछने पर इसको बताती है कि रेफरेंस की चाबी जरूर रिकोविनी के पास होगी क्योंकि वो हमारा की कीपर है। ये सुनते ही याशुदा सीधा आ जाता है रिकोविनी के पास एंड इससे उस चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन रिकोविनी कहता है मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है, मैंने वापस उसी रूम में रख दी थी। लेकिन याशुदा के कहने पर जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो रेफरेंस की वाली चाबी इसके पॉकेट में से ही निकलती है, जिसके मिलने के बाद रिकोविनी कहता है, ओ शिट, मुझे लगा कि मैंने इसको वापस रख दिया। इतनी ही देर में इधर इसके पास एक और चाबी नीचे गिरती है जिसे याशुदा उठाकर इसको वापस देता है एंड वो चाबी लेकर रिकोविनी फौरी बोलता है, सो आज मुझे ये चाबी मिल ही गई, मुझे लगा कि मैंने इसको गुम कर दिया, और हाँ वैसे ये चाबी मेरे पाइप की है जो कि मुझे पिछले लास्ट समर से नहीं मिल रही थी। ये सुनकर याशुदा कहता है, सीरियसली लास्ट समर ब्रेक, बट समर हॉलीडेज को गुजरे दो सीजन हो चुके हैं। एंड देन याशुदा अपने माइंड में खुद से ही कहता है, हमें जल्द से जल्द न्यू की कीपर ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि यूकी चलते चलते देखती है कि फ्लोर पर काफ़ी सारी चाबियां गिरी पड़ी हैं और वो सब चाबियां रिकोविनी की तरफ से गिर रही हैं, इसलिए वो उन चाबियों को आकर वापस इनको दे देती है। एंड देन इन दोनों को पता चलता है कि रिकोविनी की पॉकेट फटिंग होने की वजह से ये सब चाबियां नीचे गिर रही थी, इसलिए यूकी इनसे कहती है, मेरे पास कपड़े सीने वाली किट है तो मैं आपकी पॉकेट सी देती हूँ। एंड इसी तरह इसके बाद यूकी एंड ये रिकोविनी एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अकेले बैठे होते हैं और यहाँ पर यूकी इसके कोट की पॉकेट को सी रही होती है। बट तभी इन दोनों को अकेले एक रूम में बैठे विंडो से तोरु एंड याशुदा देख लेते हैं। तोरु कहता है कि आखिर ये दोनों अंदर कर क्या रहे हैं। याशुदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इस रूम में मुझे इस लड़की के साथ होना चाहिए, आखिर रिकोविनी एक यंग लड़की को एक रूम में कैसे लेकर चला गया, आखिर इसने ये किया कैसे। तोरु कहता है, मेरा भी बटन उस दिन टूट गया था पर यूकी ने मुझे तो सीकर नहीं दिया। तभी अंदर इतनी ही देर में यूकी उसके पॉकेट को सी लेती है। रिकोविनी इसको थैंक्स करता है एंड इससे पूछता है, क्या तुम हर वक्त अपने बैग में एक किट रखती हो। जिस पर यूकी जवाब देती है, हाँ वो क्या है कि मैं एक लड़के को जानती हूँ जो बार बार अपने बटन तोड़ लेता है। और फिर पता नहीं क्यों पर यूकी इसको इसके हाथ दिखाने को कहती है एंड जैसे ही रिकोविनी इसको अपने दोनों हाथ दिखाता है तभी यूकी इसके हाथों को टच करने वाली होती है। तोरु ये सब होते बहुत फोकस से देख रहा होता है, इसके फेस एक्सप्रेशन से तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई बंदा अपनी जीएफ को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ ले। बट एनीवेज इससे पहले कि यूकी इसको टच करती, यूकी को इन दोनों के होने का एहसास होता है
एंड वो विंडो की तरफ इन दोनों को देख लेती है। सो जस्ट अब इसके बाद यूकी एंड तोरू एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। तोरू इससे पूछता है कि तुम उस टाइम उसके हाथ के साथ क्या करने वाली थी, जिस पर यूकी जवाब देती है, सो तुम उस टाइम की बात कर रहे हो, मैं उस टाइम टीचर रिकोमिनी के हैंड रीड कर रही थी, लाओ मैं तुम्हारे भी हैंड रीड करके दिखाऊं। एंड ये कहते ही वो इसके हाथ पकड़ लेती है। तोरू इससे कहता है तुमने इससे पहले और किस किस के हैंड रीड किए हैं, जिस पर यूकी कहती है ज़्यादा लोगों के तो नहीं किए, जस्ट हो रही मियाबोरा लोरू और एक दो लोग और होंगे जिनके किए हैं। ये सुनकर तोरू कहता है अगर तुम इस तरह लोगों के हैंड रीड करते रहोगी तो लोग तुमको वियर्ड समझेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि याशुदा स्कूल हॉलवे में से वॉक कर रहा होता है, तभी इसको एक रूम से कुछ आवाज़ें सुनती हैं, जिसकी रियलाइजेशन होते ही वो सीधा उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर ये तीनों एक बड़ा सा केक रखकर खाने वाले होते हैं। बस फिर क्या, याशुदा इन तीनों को लेकर स्टूडेंट काउंसलिंग रूम में आ जाता है जहाँ पर केक के बारे में बात करते करते ये तीनों याशुदा से पर्सनल क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जैसा कि तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम अकेले रहते हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रहती है, और सबसे बढ़कर हम तीनों तुम्हारा घर विजिट करना चाहते हैं। लेकिन याशुदा इन तीनों को अपने घर विजिट करने पर साफ इनकार कर देता है और कहता है अगर तुम सच में आना चाहते हो तो तुम तीनों को अपने साथ लड़कियां लेकर आनी पड़ेंगी, अगर नहीं ला सकते तो मत आना। मियाबोरा कहता है ओके अब जाने भी दो, हम में से कोई भी तुम्हारे बेकार से घर में नहीं आना चाहता। मियाबोरा की ये बात सुनकर याशुदा को बुरा लगता है और एक बार फिर उसी केक वाले टॉपिक पर बात करने वाला था पर नहीं करता और कहता है तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। जब ये जाने लगते हैं तभी मियाबोरा कहता है सिंपाई हम स्कूल ओवर होने के बाद वापस नहीं आ सकती, तो तुम हमारे केक को हमारे लिए किसी ठंडी जगह पर रख देना ताकि वो खराब ना हो जाए। याशुदा कहता है तुम उस केक की टेंशन मत लो। एंड फोरी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये टीचर साइंस लैब में पड़ी हुई फ्रिज का डोर ओपन करके कहती है आखिर ये किस टाइप का साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सिंगुकू की आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि रात के 9 बज चुके हैं एंड जस्ट समहाउ होरी एंड ये दोनों बैठे बैठे सो गए थे एंड अब तो किसी ने बाहर से डोर भी लॉक कर दिया है, इसलिए वो पैनिक होकर अपना फ़ोन निकालता है ताकि वो किसी को हेल्प के लिए कॉल कर सके, बट इसके फ़ोन की बैटरी लो होती है। इतनी ही देर में होरी की आँख खुल जाती है। जैसे ही होरी को सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो फौरी अपना फ़ोन निकालती है एंड याशुदा को कॉल करके इस डोर को ओपन करवाती है। इसके बाद याशुदा इनको लेकर स्कूल काउंसलिंग रूम में आ जाता है और फिर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जैसे कि तुम दोनों इधर क्या कर रहे थे, क्या तुम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया, ये वो वगैरह वगैरह। बट एनीवेज इधर ये टीचर आ जाती है एंड ये दोनों भी इधर से निकलने की करते हैं। नेक्स्ट डे होरी मियाबोरा को रोम स्ट्रक वाली बात बता देती है। मियाबोरा कहता है तुम मुझे कॉल कर देती मैं जल्द से जल्द तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाता। इतनी ही देर में पास से सिंगुकू गुजरता है। मियाबोरा इसके पास आ जाता है एंड इससे पूछता है सिंगुकू मैंने सुना है कि तुम होरी के साथ कल रात एक रूम में लॉक हो गए, तो बताओ ब्रो कल कैसा रहा, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर होरी फुल एंग्री मूड में कहती है जरा बताओगे मियाबोरा तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है डी एंड। सो ओके गाइस अब मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।